bond of friendship. Mega Evolve! Blastoise! Hydro Pump! This video is purely fan made, which means इसका एंड में से कोई भी कनेक्शन नहीं है. Now enjoy the video. Hey Ash, हम दोनों की जोटो लीग की बैटल के बाद से मैं हमेशा से तुमसे रीमैच करने का वेट कर रहा था. And I think the time has finally come. You know what, Gary? मैं भी तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद से कितना बदल चुका हूँ. तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं बदली है Ash. So let the battle begin. Go Scizor! सिज़ोर बैटल की शुरुआत हाइपर बीम मूव से करते हैं, वहीं पर सेप्टाइल यूज करता है सोलर बीम का और दोनों के मूव्स में क्लैश हो जाता है. सिज़ोर स्मोक के अंदर से एस्केप करने का ट्राई तो करता है, बट सेप्टाइल उसका पीछा करता है एंड लीफ ब्लेड से एक काफी स्ट्रॉन्ग हिट मार देता है. इसके बाद सिज़ोर और तेज उड़ने लगता है एंड तभी सेप्टाइल भी क्विक अटैक से उसका पीछा करने लगता है. बट दिस वॉज ऑल अ स्ट्रेटजी. सिज़ोर सबसे पहले सेप्टाइल पर सुपर इफेक्टिव पॉइजन जैब मारता है एंड एक और हाइपर बीम से सेप्टाइल को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देता है. सेप्टाइल काफी एक्सेसिव डैमेज ले चुका था एंड बहुत बुरी हालत में था. एश सेप्टाइल को सोलर बीम चार्ज करने को कहता है, वहीं पर सिज़ोर फिर से हाइपर बीम का यूज करता है जिसे पहले सेप्टाइल डॉज करता है एंड अपनी सोलर बीम को पूरी तरह से चार्ज करने के बाद वो उसको सिज़ोर के ऊपर लॉन्च कर देता है. ग्यारी काफी सरप्राइज हो जाता है एंड आश से कहता है, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड आश, बट लेट्स सी तुम मेरे नए पोकेमोन से कैसे लड़ते हो. आई चूज यू. सेप्टाइल बैटल की शुरुआत अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव लीव ब्लेड से करता है, वहीं पर वीनस और गीगा इंपैक्ट का यूज करता है. दोनों पोकेमोन्स में क्लैश हो जाता है बट क्योंकि सेप्टाइल पहले से वीक था वो नीचे गिरता है एंड फेंट हो जाता है. वीनस और मैच को शुरू करते हैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव फ्रेंजी प्लांट के साथ एंड ग्रेनिंजा उसे काफी इजीली डबल टीम से डॉज कर लेता है. इसके तुरंत बाद ही ग्रेनिंजा कट मूव का यूज करता है बट वीनस और पेटल डांस से वहां से गायब हो जाता है एंड ग्रेनिंजा पर पीछे से रेजर लीफ यूज कर देता है एंड विदाउट अ ब्रेक ग्रेनिंजा पर सोलर बीम मूव का यूज कर देता है एंड लगातार इतने स्ट्रॉन्ग मूव्स की वजह से ग्रेनिंजा बहुत डैमेज ले लेता है एंड तभी ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो एक जायंट वाटर शरिकेन को लॉन्च कर देता है जो वीनसोर पे इतनी तेज हिट करता है कि वीनसोर इमीडिएटली फेंट हो जाता है. ग्रेनिंजा तुरंत ही एक जायंट वाटर शरिकेन को लॉन्च कर देता है, वहीं पर इलेक्ट्रीवायर यूज करता है अपने थंडर अटैक का. दोनों मूव्स में एक कोलिजन हो जाता है एंड पूरा स्टेडियम हिल जाता है बट पहले से वीक होने की वजह से ग्रेनिंजा फेंट हो जाता है. इन्फनी बैटल की शुरुआत मार्क पंच से करता है, वहीं पर इलेक्ट्रीवायर यूज करता है थंडर पंच का और दोनों पोकेमोन्स इक्वल अमाउंट ऑफ डैमेज ले लेते हैं. इसके बाद इलेक्ट्रीवायर यूज करता है थंडर वेव मूव का जिसे डॉज करने के लिए इन्फिनिट डिक का यूज करता है एंड डिक की हेल्प से इलेक्ट्रीवायर को एक काफी स्ट्रॉन्ग सुपर इफेक्टिव हिट मार देता है. दोनों पोकेमॉन्स इक्वली स्ट्रॉन्ग थे और दोनों ही हार मानने को रेडी नहीं थे बट तब भी इलेक्ट्रीवायर एकदम से थंडर अटैक का यूज कर देता है जो इन्फिनिट को इतना ज्यादा डैमेज करता है कि इन्फिनिट सीधे नीचे गिर जाता है एंड तभी ब्लेज एक्टिवेट करके इन्फिनिट एक डिवास्टेटिंग फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है जिससे इलेक्ट्रीफायर सह नहीं पाता एंड उसके तुरंत बाद ही इन्फिनिट यूज करता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव फ्लेयर ब्लेड्स का. पूरा स्टेडियम दोनों के मूव्स के एक्सप्लोजन से हिल जाता है एंड ग
ग्यारी का ग्यारह फ्लेम थ्रोवर मूव का यूज कर देता है जो इन्फर्निप को चारों ओर से घेर लेता है। इन्फर्निप भी फ्लेयर ब्लेड्स का यूज करता है बट ग्यारी का ग्यारह यूज कर देता है हाइड्रो पंप मूव का। दोनों की मूव में एक काफी बड़ा कोलिजन हो जाता है एंड काफी सारे स्मोक के हटने के बाद हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन्स खड़े हैं बट अल्टीमेटली इन्फर्निप नीचे गिर जाता है। ऐश अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को भेजता है। ऐश का लुकारियो डबल टीम से शुरू करता है बट गैरडोस आइस फैंग से सारे लुकारियो को डिस्ट्रॉय करता है एंड बाकियों को हाइपर बीम से पूरी तरह से खत्म करके रख देता है। बट द फैक्ट वॉज असली लुकारियो गैरडोस के पीछे था। गैरडोस काफी तेज था एंड वो उस पे रैप अटैक करता है एंड आइस फैंग से काफी स्ट्राइक्स मारने लगता है बट लुकारियो स्टील बीम की हेल्प से वहां से निकल जाता है। गैरडोस यूज करता है हाइपर बीम का जो लुकारियो पर एक डायरेक्ट हिट होती है एंड लुकारियो को काफी डैमेज हो जाता है। गैरडोस एक और हाइपर बीम चार्ज करता है बट लुकारियो काफी सारे बुलेट पंच मारता है बट गैरडोस भी हाइपर बीम से हिट करता है लेकिन अल्टीमेटली गैरडोस हार जाता है। लुकारियो ओरस्फीयर का यूज करता है वहीं पर मैग्मोर्टार अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव फ्लेम थ्रोवर का यूज करता है जो ओरस्फीयर को चीरते हुए लुकारियो पर एक डायरेक्ट हिट हो जाता है। इतने स्ट्रॉन्ग सुपर इफेक्टिव स्टैब मूव को लुकारियो बिल्कुल भी नहीं सह पाता एंड इमीडिएटली फेंट हो जाता है। पिकाचू क्विक अटैक से बैटल को शुरू करता है एंड मैग्मोर्टार पे एक काफी अच्छी स्ट्राइक भी मार देता है बट जब वो वापस आता है तब पिकाचू को बर्न लग चुका था। ऐश ये देखकर काफी शॉक हो जाता है। ये गैरी की एक काफी अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि जैसे ही पिकाचू मैग्मोर्टार के कॉन्टैक्ट में आएगा पिकाचू को बर्न लग जाएगा। ऐश कहता है तो क्या हुआ गैरी, अगर तुमने हमारा अटैक गिरा दिया है हम एक स्पेशल अटैक करेंगे पिकाचू थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट का काउंटर करने के लिए मैग्मोर्टार अपने फ्लेम थ्रोवर का यूज करता है और दोनों मूव्स में एक बहुत बड़ा कोलिजन हो जाता है। इसके बाद पिकाचू यूज करता है वोल्ट टैकल का जिसे काउंटर करने के लिए मैग्मोर्टार अपने एक अच्छे मूव रॉक रेकर का यूज करता है एंड पूरे रास्तों पर रॉक्स लगा देता है। पिकाचू सबको तोड़ते हुए आगे तो बढ़ता है बट अल्टीमेटली काफी वीक हो जाता है एंड लास्ट रॉक से भिड़ कर वापस आ जाता है। इसके बाद ऐश के कमांड पर पिकाचू क्विक अटैक एंड आयरन टेल का एक कॉम्बो यूज करता है एंड मैग्मोर्टार को एक स्ट्राइक मारता है बट खुद भी इतना ज्यादा डैमेज ले चुका था कि पिकाचू भी नीचे गिरकर फेंट हो जाता है। अब दोनों ट्रेनर्स के पास अपना लास्ट पोकेमोन ही बचा था। गैरी कहता है ओ ऐश तुमने तो मुझे जोटोली की याद दिला दी। ऐश कहता है गैरी चलो उस आइकॉनिक मूवमेंट को रिक्रिएट करते हैं। चार्जर्ड आई चूज यू लेट्स गो यूज हाइड्रो पंप। ब्लास्टोइस का हाइड्रो पंप चार्जार्ड पर एक हिट होता है बट चार्जार्ड भी रिप्लाई में यूज करता है फायर स्पिन मूव का। फायर स्पिन से बाहर आने के लिए ब्लास्टोइस यूज करता है रैपिड स्पिन मूव का एंड खुद को चार्ज कर अपनी पूरी ताकत से स्कल बैश का यूज करता है। चार्जार्ड स्लैश उसे वापस तो फेंकता है बट ब्लास्टोइस भी रिप्लाई में हाइड्रो कैनन का यूज करता है। चार्जार्ड फ्लेम थ्रोवर का यूज करता है एंड दोनों के मूव में एक कोलिजन हो जाता है। चार्जार्ड आते ही ड्रैगन टेल मूव का यूज कर देता है जिससे काफी स्ट्रॉन्ग वेव प्रोड्यूस होती है बट उसके बदले में ब्लास्टोइस यूज करता है आइस बीम का जो चार्जार्ड पर सीधा हिट मारता है एंड इवन बिफोर चार्जार्ड रिकवर्ड ब्लास्टोइस उसे हाइड्रो पंप से हिट करता है एंड फिर एक और बार स्कल बैश से भी हिट करता है। ऐश कहता है ओके गैरी आई थिंक टाइम आ चुका है हम दोनों को अपने सीक्रेट्स रिवील करने का लेट्स गो। गैरी कहता है ब्लास्टोइस अब हमारी बारी। गैरी अपने ब्लास्टोइस को हाइड्रो पंप अटैक यूज करने को कहता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड चार्जार्ड पर एक हिट भी होता है। तभी ऐश चार्जार्ड को उसके अंदर से निकलकर ब्लास्टोइस की तरफ बढ़ने को कहता है। गैरी ब्लास्टोइस को फोकस पंच का यूज करने को कहता है वहीं पर चार्जार्ड यूज करता है अपने फ्लेम थ्रोवर अटैक का और दोनों के मूव्स में एक बहुत बड़ा कोलिजन हो जाता है एंड दोनों इक्वल डैमेज ले लेते हैं। इसके बाद चार्जार्ड यूज करता है विंग अटैक का वहीं पर ब्लास्टोइस यूज कर देता है अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव ड्रैगन पल्स का जो चार्जार्ड को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देती है। रिप्लाई में चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ का अटैक कर देता है। इसके बाद दोनों ट्रेनर्स अपने पोकेमोन को अपना लास्ट मूव यूज करने को कहते हैं। गैरी ब्लास्टोइस को ड्रैगन पल्स यूज करने को कहते हैं वहीं पर ऐश चार्जार्ड को ब्लास्ट बर्न यूज करने को। What?
एंड इसी के साथ एस्ट्रो चार्जर डिफीट कर देते हैं गैरी और उसके मेगा ब्लास्टोइस को।